हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 2030 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन जाएगा। पूर्व अमेरिकी राजदूत ने गिनाए कारण। 2030 तक भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, यह कहना है कि अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक का। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र देश एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा, मैं 2030 को देखता हूं और मुझे एक ऐसा भारत नज़र आता है जो लगभग हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे अधिक कॉलेज वाला देश, सबसे अधिक मिडिल क्लास वाला देश, वहीं सबसे अधिक सेल फोन और इंटरनेट यूज़र वाला देश और दुनिया का तीसरे सबसे बड़ी सैन्य ताकत और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 25 साल के कम उम्र के 60 करोड़ लोग हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा, हमारी आंखों के ठीक सामने आज भारत में बड़े पैमाने पर विकास हो रहे हैं, सीज पर है। अगले दशक में बुनियादी ढांचे के विकास पर करीब $2 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे। 2030 के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का बड़ा हिस्सा बनाया जाना बाकी है, इसलिए आज अकेले करीब 100 नए एयरपोर्ट की योजना बनाई जा रही है या निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारत का एक शानदार भविष्य नजर आएगा और भारत को इससे बहुत फायदा होगा और भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बन पाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।